स्वागत है दोस्तों आप सबका अपने चैनल जीके स्पेशल पर। आज हम इस वीडियो में संगम काल के बारे में अति महत्वपूर्ण 50 सवाल देखेंगे, तो अंत तक वीडियो पर जरूर बने रहे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो शुरू करते हैं पहला सवाल। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कन्नगी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण कराया था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी सेनगुट्टुवन। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए जैन धर्म से। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदू धर्म से। निम्न में कौन सी संगमयुगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी तुलक का पीएम रचना। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए कदंब राजवंश का। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तुलक का पीएम ग्रंथ संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी पांडे राज्य के संरक्षण में। किसने उल्लेख किया है कि नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? ऑप्शन ए मामूलनार ने। कपाटपुरम या अलैव्य में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए तुलक का पीएम। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अगस्त्य ऋषि के बारे में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले महत्वपूर्ण सवालों के वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। अगला सवाल देखते हैं। स्टेबरो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईस्वी पूर्व के लगभग अपना दूत भेजा था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए पांडे नरेश ने। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिल भूमि का बाइबिल। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिलप्पदिकारम को। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? ऑप्शन डी मणिमेकलई को। पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए कारिकाल ने। मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए
चेर का। किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कावेरी डेल्टा के संबंध में। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा ग्रंथ के लेखक पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांडे देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलचे क्षेत्र से। गाय या अन्य वस्तु के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वरिकल या नाडुकुल। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्कंद या कार्तिकेय के। समकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा के लिए। तीन ही सिद्धांत का प्रयोग कहा हुआ है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलकम में। आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन यानी बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक कोरक के, दो पुहर, तीन तोंडी, चार मुशीर मुशरी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 एवं 4 यानी तोंडी और मुशरी, यह दो बंदरगाह संगम काल में पश्चिमी तट पर स्थित थे। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई सवाल या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।